आचार्यशीनी रचना दोहा स्तुति में आज विमलनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। काया कारा में फला प्रभु तो काराती से धारा में पड़ा जिनवर धाराती। आचार्य जी ने अध्यात्म का वर्णन करते हुए कि ये काया कारा है, काराग्रह है जिसमें आत्म तत्व बंद है, और प्रभु तो कारातीत भगवान इस कारा से जो शरीर रूपी बंधन है उससे अतीत हो चुके। हम इस काय में रहते हैं लेकिन काय से भिन्न अपनी अनुभूति करने का प्रयास नहीं करते। आचार्य जी ने हाइकु लिखा है, संदेह होगा देह में तो देहाती विदेह हो जा। संदेह होगा क्योंकि देह में रह रहे हैं और देह में रह रहे हैं तो देह में रहते रहते यही मैं हूं, इसलिए कहा है देह में तो देहाती। देह में रह रहे हैं तो उसके कारण में देहाती का होता है अज्ञान, यानी वहां पर देह में रह करके कि मैं देह ही हूं ऐसी जो है भावना हो जाती है और उसके कारण में विदेह हो जा, इस देह से अतीत होने के लिए प्रेरणा दी। तो यहां पर भी उसी बात को कह रहे हैं कि इस काया में रहते रहते हम उस काया के स्वरूप से अपने आप को भिन्न जानने का यदि प्रसाद करें तो हम भी कारातीत हो सकते हैं। किसी का जन्म कोई कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भस्थ जो शिशु है और उसकी मां को जेल हो गई, अब वो क्या होता है उसका जन्म जो है जेल के अंदर होता है, अब जेल के अंदर ही वो बड़ा होता है तो उस जेल को ही अपना घर समझने लगता है, उससे बाहर जाने की जब कोई बात आती है तो उसको डर लगता है कि मैं इससे बाहर जाऊंगा कैसा क्या रहेगा, उसी को जो है वो अपना घर समझने लगता है। बस ऐसा ही अनादिकाल से शरीर में रह रहे हैं तो हमें भी ये जो है लगने लगा कि यही मैं हूं, इसलिए यहां पर देह से भिन्न अपने स्वरूप को क्योंकि हर भव में प्राप्त होता है और जब बीच में विग्रह गति का समय रहता है तो दो तीन समय के लिए इसका रुकना होता है, यदि सीधा जाना होता है तो रास्ते से ही उसका निर्माण चालू हो जाता है। इसके बारे में भी आचार्य जी ने एक हाइकु लिखा है कि खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली खाली जाता, यानी ये जो शरीर है यही मिट्टी है और यही मिट्टी में मिल जाती है खाली जाता हूं, इसको ग्रहण करते हैं और छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे जो है बार बार जो है भेद विज्ञान के जो प्रयोग है उनको करने से अपन अपने शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ सकते हैं। जब तक शरीर से भेद विज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है संयुक्त की भूमिका बन नहीं सकती। बाहर में अपन जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको दूर करने का बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं लेकिन जो अनादिकाल से अपने जिसमें रहते रहते आदत पड़ गई है, पड़ोसी को अपन ने पड़ोसी नहीं माना, पड़ोसी इसी में जो है दूसरा बनता है पड़ोसी परोपसी, यह पर है पड़ोसी है, ऐसा जो है भेद विज्ञान अपने लिए इसके माध्यम से प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई। और चिर से धारा में पड़ा, चिर काल से धारा यानी जन्म मरण की जो संतति है वो सतत चली आ रही और भगवान तो उस धारा की उस धारा से ऊपर उठ गए हैं, अब उनका कोई जन्म नहीं कोई मरण नहीं, ऐसा उन्होंने मरण का भी मरण कर दिया है, ऐसे जीवन मुक्त तो जैसे कि वो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं फिर उनका जीवन नहीं होता
और आखिरी में जो मरण होता है वो भी मरण का भी मरण करते हैं। इस प्रकार से इस धारा से अतीत हो चुके हैं और मैं चिर काल से इस धारा में पड़ा हुआ पुनर्जन्म के सिद्धांत को देख करके उसके माध्यम से कि हम पहले कहीं रहे हैं और इस संसार में भ्रमण करते करते धारा में सतत बहते चले आ रहे हैं, उस धारा से कब तक ऊपर उठेंगे उसके लिए प्रेरणा के लिए ये काव्य हमारे लिए प्रेरित करता है। अगले काव्य में कराल काला व्याल सं कुटिल चाल काका विश्वेर हित उसको किया किया स्वप्न साकार। इस काव्य के बारे में पहले जो एक छपा था बहुत पहले उसमें जो है दूसरी लाइन जो थी वो दूसरी थी, फिर आचार्य जी से किसी ने निवेदन किया होगा तो आचार्य जी ने उसने परिवर्तन कर दिया, तो आपको ये जो सुनाया है वो बात का पहले इसमें था कि मार दिया तुमने उसे खाड़ा उसका का, ये पहला पुराना था। अब उसमें यहाँ कराल जो होता है शब्द कराल का अर्थ होता है जो बड़े बड़े दांतों वाला भयानक है ऐसा काला व्याल व्याल जो होता है सर्प का पर्यायवाची, तो ऐसा कुटिल चाल का काल जो सर्प की चाल होती कुटिलता से युक्त होती है ऐसी ही जो है काल की भी चाल जो है सर्प के समान कुटिल होती है, और वो काल जिसको मृत्यु कहा जाता है उसको जो है यहाँ पर सर्प की उपमा दी गई है क्योंकि मृत्यु से व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है। आचार्य जी एक प्रसंग में सुना रहे थे कि यदि बहुत अच्छी कोई जगह बनाई हो जहाँ पर बहुत अच्छा बिस्तर डला हो अच्छा जो है ठंडी ठंडी हवा आई हो गर्मी से कोई पीड़ित व्यक्ति परेशान हो नींद आ रही हो और वहां पर पहुंच जाए और उसको बस कोई कह दे इतना कि भैया सोना है सो जाओ, लेकिन यहाँ पर अभी दिन में एक सांप दिखाई दिया तो उसकी निद्रा जो है वहां पर जो है लगने वाली नहीं क्योंकि सांप का तो जो है नाम ही काफी है उतने भयभीत होते हैं उससे, तो ऐसे जो है काल भी जो है कब ग्रसित कर ले इसलिए यहाँ पर उस काल को जो सबको रुलाने वाला है अंततः कंद को निर्णाम जन्म जन सदा सदा त्वा अंतकांतकं प्राप्या व्यावृतः कामकारः। अच्छा समत भद्र स्वामी ने अरनाथ भगवान की स्तुति में लिखा कि ये अंतक मृत्यु जो है सबको रुलाने वाली है, जहाँ प्रातः काल में जब जन्म हुआ है तो लोरियां गाई जा रही थी और संध्या काल में कोई बच्चा पूछता है कि वो स्वर जो है थोड़ा सा तीखा तीखा लग रहा है सुबह को अच्छा लग रहा था, तो माँ कहती है कि सुबह जो है वहां पर मंगल गान गाए जा रहे थे अब वहां पर रुदन की स्थिति जो आया था वो चला गया, तो ऐसा जो है काल कब किसके ऊपर प्रहार कर दे कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसी जो है काल की जो चाल है उसको आपने ऐसे सर्प के समान जिसको बताया है उसको आपने उससे विहित कर दिया, उसकी जो काम करने की सामर्थ्य थी वो जो है वहां पर नष्ट कर दी और आपने अपने स्वप्न को साकार किया अपने आत्म तत्व को ऊंचाइयों पर ले गए, तो यहाँ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इस काव्य में वर्णन किया है। मोह अमल बस समल बन निर्बल में भयवान विमल नाथ तुम अमल हो संबल दो भगवान। मोह का प्रताप ऐसा रहता है कि जो अमल है वो भी समल बन जाता है, मोह जो है मलिन कर देता है और उसके कारण मोह का जब प्रभाव रहता है
तो व्यक्ति निर्बल हो जाता है। मोही व्यक्ति बिल्कुल बंधा हुआ, उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं होती। मोह के धागे में बंधा हुआ व्यक्ति बाहर से कोई धागे नहीं दिखाई देते, लेकिन उसको तोड़ने की सामर्थ्य उसमें नहीं, क्योंकि बहुत कमजोर होता है, निर्बल होता है और भयभीत भी बहुत रहता है। तो यहाँ पर उस मोह के प्रताप का यहाँ पर सामर्थ्य दिखाया है और उसमें विमलनाथ भगवान से कि भुवन आप अमल हो, निर्मल हो और हमारे लिए ऐसा संबंध हो कि हम भी इस मोह पर विजय प्राप्त कर सकें। मोह की परिणति ऐसी रहती है जो उसको विजय प्राप्त कर लेता है फिर वो जो है भयभीत नहीं होता। जब आचार्य श्री कुंडलपुर में थे और उस समय सुरत की बात थी, 76 में जब आए आए थे उस समय, और चुल्लक समय सागर जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पंडित जगन्मोहन लाल जी ने निवेदन किया कि आचार्य श्री इनको यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है वैद्यालय की भी और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, इनको हम कटनी ले जाते हैं, ये महीना है चातुर्मास में। तो आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है और उन्होंने कहा कि योग सागर जी को साथ में भेज दो। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, नियम सागर जी को साथ में ले जाओ, क्योंकि सगे भाई हैं तो मोह की परिणति ना रहे, इसलिए उन्होंने नियम सागर जी को साथ में भेजा और वहां पर इलाज चला, लेकिन बीच में जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था और एक दिन ऐसी स्थिति भी बन गई कि ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया और उस समय ऐसा लगने लगा, डॉक्टर जब आया देखने के लिए, कोई बरहा से डॉक्टर आया हुआ था, उस समय में उसने देखा तो कह गई ये ऐसी स्थिति में बोल कैसे रहे, ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति कुछ शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर सकता, ऐसी सामर्थ्य होती है संयम में। और उस समय उन्होंने कहा कि हमको ये वचन दो कि हमको अस्पताल नहीं ले जाओ, और उन्होंने उस समय में कहा कि मैं संदेहना के लिए तैयार हूँ। और इधर पंडित जी ने कि आचार्य श्री के पास खबर भेजी, एक लड़के को भेजा और उनसे कहा कि आप शीघ्रता से वहां से आए, और आचार्य श्री से निवेदन की, आचार्य श्री ने कहा कि आप सब लोग हो और उनका जो जैसा जो उपचार बने तैसा उनका जो उपचार करो। उन्होंने कहा इसी अवस्था में तो कुछ यदि दोष भी लगते हैं, यदि गाड़ी का भी आराम लेना पड़े तो आप लेकर के चलो, लेकिन आचार्य जी का नहीं, सब ठीक है, आप सब लोग कर लोगे, बहुत वहां के लिए आपको बिल्कुल निर्दय हो, आप वहां पर नहीं जा रहे, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। और बाद में जब सब परिस्थितियां ठीक हो गई तो बाद में उन्होंने कहा, आचार्य श्री से जब पूछा तो आचार्य श्री ने कहा कि मैं यदि वहां पर जाता और मुझे देख करके उनका मोह यदि वहां पर जागृत हो जाता तो उनकी संलेखना में बाधा हो जाती। तो ऐसी जो है मोह पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं फिर वो भयभीत नहीं होते। एक बार और ऐसे ही आचार्य श्री का संग जब शिखर जी से उड़ीसा में कलकत्ता वगैरह होते हुए उड़ीसा की बंदना के लिए गया था, तो एक बरगढ़ नाम का एक गांव था, वहां पर एक जगह पर जहां पर स्कूल आदि में ठहरना हुआ था और प्रांगण में सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहां के लोग दिगंबरत से परिचित नहीं थे, तो वो लोग जो है हथियार आदि लेकर के सारे स्कूल के प्रांगण में इकट्ठे हो गए, मारने के भाव से वहां पर आ गए। अब यहाँ पर संग में फुसफुसर हो गई थी कि यहाँ से कैसे निकलेंगे, कोई कहने लगे जिनका अच्छा शरीर है, बलिष्ठ शरीर है, वो सबसे आगे करके चलो जिससे कि देख करके वो लोग भयभीत हो जाए, ऐसी सब जो है कि वहां पर चर्चा चल रही थी। और उस समय आचार्य जी ने जब निकले तो अपनी पिछी उठा करके सबसे आगे और पिछी को ऐसा ऊपर उठा करके उनके लिए जैसे आशीर्वाद दे रहे और ऐसा देते हुए जब वहां से निकले तो सारे के सारे लोग बिल्कुल जैसे पीड़ित हो गए हों, बिल्कुल शांत बैठे रहे और पूरा संघ वहां से निर्भयता के साथ में निकल गया। तो ऐसी जब स्थिति होती है, जब मोह पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आंशिक विजय होती है, तो व्यक्ति भयभीत नहीं होता। आचार्य जी की जो चर्या है उसमें आप लोगों ने देखा ही है, सुनाई है कि वो कभी भी विहार करते हैं तो पता करके नहीं करते। कई बार तो ऐसा हुआ, एक बार पुराने समय में अभाना में
एक बच्चा दुल्हन के साथ में सोच के लिए दोपहर के समय साथ में हो गया, सोचा कि जंगल जा रहे हैं, कभी कभी जाते थे जंगल। अब वो जंगल का स्थान जब आ गया तो वहां पर कहने लगा कि यहाँ पर है चाची, तो चाची तो नहीं सीधे जा रहे हैं। और वो समय में समझ गया, फिर उसने कोई घर साइकिल वाला आ रहा था उस समय में उनको बोला कि भैया और खबर दे देना कि महाराज जी का बिहार हो गया। फिर यहाँ पे खबर मिली, दो चार किलोमीटर निकल गए, फिर बाकी संघ भी पीछे पीछे गया। तो ऐसी उनकी चर्या है। जब वो खजुराहो में शुरुआत में जब आए थे, मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, उस समय वहां खजुराहो में उन्होंने वहां से बिहार के समय कोई बताने की बात नहीं थी, बिहार कर दिया। अब वहां का मैनेजर जो है अपने आप को ऐसा समझने लगा कि हमें बताया नहीं है तो हम क्यों व्यवस्था करें। वो समझता था कि जो भी आते थे पहले वो सब बोलते थे कि भैया हमारी ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दो, तो वही उसको आदत थी। और उसने जो है कोई व्यवस्था नहीं की। इधर भारत की ओर चार छुल्लक बिहार करते करते अकेले अकेले और एक ऐसी जगह पर जहां पर पहुंच करके कोई रुकने का स्थान नहीं है, लेकिन रात होने वाली है, अंधेरा होने लगा है, तो एक सुरक्षित जगह देख करके आचार्य जी ने वहीं पर आज रात्रि का विश्राम करना है। और चारों छुल्लकों को भी पास में बैठा लिया और उस समय ने कहा कि आज जो है पूरी तरह से अपन अन्न जल का त्याग कर देते हैं, यदि आयु रही शेष तो फिर आगे सोचेंगे, नहीं तो संक्षेप संलेखना जैसा पूरी तरह से अपन सत्ता त्याग कर दे। रात में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। और रात में ऐसा हुआ भी, जंगली जानवरों की आवाज आदि भी आती रही। आचार्य जी इसमें सबको जो है संबल दृढ़ करते हुए वहां पर बैठे रहे। और सुबह जब लोग वहां से सुबह सुबह कुछ राहगीर आए, उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पे क्यों रुक गए, 2 किलोमीटर दूर पर ही तो यहाँ पर जो है रुकने का स्थान था, स्कूल आदि था, लेकिन वहां पर कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे उन्होंने निर्भय होकर के ऐसी अवस्था में भी वहां पर रात्रि जो है निर्भय होकर के बिताई। और जब 80 में पुनः खजुराहो में पंचकल्याण के लिए आ रहे थे तो उस समय में उन्होंने उसी जगह को देख करके, बिहार चल रहा था उस समय में, सोलह सागर जी महाराज छुल्लक के रूप में थे, परम सागर जी उनका नाम था, और उनसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी समाधि स्थली हो सकती थी। उस जगह को बताया कि यहाँ पे रात में ऐसी जंगल था, जंगल में कुछ भी हो सकता था। फिर उसने बाद में जाकर के वही मैनेजर उसमें में भी था उसको बताया, तो बाद में बहुत क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, लेकिन ऐसी भी कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन जो निर्भय होते हैं, जो मोह से बंधे नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कहा कि जो मोही होते हैं वो निर्बल होते हैं और भयवान होते हैं। भगवान से कहा कि भगवान आप मोह से रहित हो और हमारे लिए भी ऐसा संबल हो कि हम भी मोह पर विजय प्राप्त कर सकें। ज्ञान चोर तुम मैं रहा, ना समझ की छो, चोर पकड़ करे झट से, खींचो अपनी ओ। यहाँ पर प्रार्थना है अपनी लघुता और भगवान की महानता का वर्णन करके, भगवान से हमें भी पार करो ऐसी प्रार्थना है। जो ज्ञान का उत्कृष्ट जो रूप है वो केवल ज्ञान भगवान के पास में है, तो उस छोर को आपने ज्ञान के प्राप्त कर लिया है। और मैं ना समझ की छोर, वैसे सबसे कम ज्ञान निगोटिया जीव में होता है, जो आवरण नहीं होता, जैसे दिन में कितना भी बादल छा जाए, कितने भी घने बादल छा जाए, लेकिन दिन में जैसे रात्रि नहीं होती, ऐसे ही कितने भी ज्ञानारंभी कर्म का आवरण हो जाए, लेकिन एक अंश जो ज्ञान का है वो कभी भी आवृत नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं नित्य उद्घाटित ज्ञान, उसको भी केवल ज्ञान की संख्या दी गई है, यानी जिस पर कभी भी आवरण नहीं होता। तो ऐसा जो है ज्ञान का स्वभाव, जीव का स्वभाव है ज्ञान, तो इसके माध्यम से उसका कभी भी अभाव नहीं होता। लेकिन वो ज्ञान जो बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान है, और कहां जो भगवान के लिए कहा कि आपने ज्ञान के उस शोर को प्राप्त कर लिया,
कि भगवान मैं अल्प ज्ञानी हूं, लेकिन है तो ज्ञान की ही डोर, जहां ज्ञान में जो है सबसे कम से लेकर के पढ़ाते पढ़ाते जो अनंत ज्ञान होता है वो एक डोर के रूप में यहाँ पर दिया गया है, और भगवान की आस्था की डोर पकड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि भगवान उस छोर को पकड़ करके आप हमें अपनी ओर खींचो, जिससे हम भी उस परम ज्ञान को, उस जो उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ये कैसे मधुर भावों के साथ में आचार्य जी ने स्तुति की है, जिसके माध्यम से अध्यात्म भी इसके माध्यम से बतलाया है, और भक्ति जहाँ अध्यात्म और भक्ति दोनों का संगम होता है वो जो है अपने लिए संसार से पार करने वाला होता है। भक्ति भी केवल भक्ति हो जिसमें भेद विज्ञान ना हो वो भी जो है पार करने वाली नहीं है, लेकिन जो अध्यात्म से युक्त भक्ति होती है, और एक अध्यात्म शुष्क अध्यात्म होता है जो भक्ति आदि से विमुख कर देता है, वो अध्यात्म भी सही अध्यात्म नहीं है, क्योंकि अध्यात्म भेद विज्ञान के माध्यम से वहां पर अपने स्वरूप को जानते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को वहां पर यदि अपन ये मान लें कि वो शुद्ध स्वरूप ही है, तो फिर जो है भक्ति का कोई भी वहां पर अवसान नहीं रहता, भक्ति वहां पर प्रसिद्ध नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर उस अध्यात्म के साथ में भक्ति का भी जोड़ होना चाहिए, उसके माध्यम से मुक्ति का पथ जो है प्रशस्त होता है। तो ऐसी इस स्थिति के माध्यम से जहाँ अपने लिए भेद विज्ञान की भी प्रेरणा दी है, उसमें कि इस कारागृह में, जिसे सबसे पहले काव्य में था कि इस कारागृह में मैं बंद हूँ, ऐसे शरीर के लिए भी कारागृह कहा है, संसार को तो कारागृह कहा ही है लेकिन अपने शरीर को भी कारागृह कहा है। इसके माध्यम से शरीर से भिन्नता का भी संदेश इस काव्य के माध्यम से दिया गया है। इति श्री विमलनाथ जयेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।